नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में अध्याय 3 में रोमन साम्राज्य के उस समय श्रमिकों की स्थिति, उनकी नियंत्रण आदि के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले हमने रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति, उसके विस्तार आदि के बारे में अध्ययन है वो किया था। तो देखिए, भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व, जो पश्चिमी एशिया के नाम से जाना जाता था, तो भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी। अर्थात उस समय में भूमध्य सागर व उसके पास पश्चिमी जो एशिया का क्षेत्र था, इन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर है वो श्रमिकों को दासता के रूप में रखा जाता था। और यहाँ पर दासों को मालिक अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाते थे और दास उनसे कुछ भी नहीं कह सकते थे। चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। अर्थात रोम की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अधिकांश जो कार्य है, मेहनत है, वो किसके द्वारा किया जाता था? दासों द्वारा। तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती है, जहां ऑगस्टस के शासन काल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दास थी। अर्थात उस समय में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में से 30 लाख है वो कौन थे? दास थे। तो इससे पता लगता है कि उस समय में बड़ी संख्या में दास होते थे और दासों का मुख्य कार्य था अपने मालिकों की सेवा शुश्रूषा करना। किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह भी है वो दी थी। यानी अर्थात उन गुलामों को, दासों को, वे गुलामी के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य हैं वो करवाते थे। तो देखिए, जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, अथवा जहाँ स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुँच सकता हो। ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। एक और जहाँ उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्रायः क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे। नीरो के शासनकाल में घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए एक इतिहासकार क्या कहता है। तो देखिए, जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ
लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी थी और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अथवा वेतन भोगी मजदूरों जैसी विकल्पों का सहारा लेना पड़ा था। तो दासों की जो आपूर्ति में उस समय कमी आने लगी थी और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अर्थात अपन कह सकते हैं वेतन भोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा दिए वो लेना पड़ा था। वेतन भोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे और उन्हें आसानी से छोड़ा या रखा जा सकता भी था। तो यानी जो वेतन भोगी मजदूर थे वे सस्ते भी होते थे, उन्हें आसानी से रखा जाता था और आसानी से उन्हें वो छोड़ा भी जाता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्य पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। अर्थात स्पष्ट है उस समय में मुक्त श्रमिकों का प्रयोग होने लगा क्योंकि दास जो होते थे वे उनके लिए महंगे पड़ते थे। तो देखिए भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे। अर्थात उस समय में अगर किसी गुलाम या दास को वे रखते थे तो पूरे साल काम हो या न हो लेकिन उन्हें भोजन कपड़े आदि खर्चे उनके वहन करने पड़ते थे। जबकि जो वेतनभोगी मजदूर होते थे उनसे उनको ये फायदा होता था कि जब काम होता था तो वे उन वेतनभोगी मजदूरों को वेतन देकर बुला देते थे और जब काम नहीं होता था तो वे उन्हें वापस हैं वो छोड़ देते। इस कारण से वेतनभोगी मजदूर उनके हैं वो सस्ते पड़ने लगे थे। तो देखिए भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष पर रखना पड़ता था, भोजन देना पड़ता था और बहुत सारे उनके खर्चे भी हैं वो उठाने पड़ते थे। और भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए जो भोजन देते थे तो खर्च भी अधिक आता था जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ गई थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। अर्थात बाद में धीरे धीरे इन गुलाम मजदूरों की संख्या में क्या होने लगी, कमी होने लगी और उनकी जगह हैं वो अधिक मात्रा में हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं वो बढ़ने लगे थे। कम से कम पूरी प्रदेश में तो ऐसा ही हुआ था। दूसरी ओर इन दासों और मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा और यहाँ स्पष्टतः उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर व्यापार चलाने के लिए पूंजी यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे। तो यानी मालिक जो है वे अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी मतलब जो धन निवेश करते थे और यहाँ तक कि पूरा कारोबार भी उनको है वो सौंप देते थे। अब देखिए रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंध की ओर बहुत ध्यान दिया, यानी उन्होंने श्रम प्रबंधन की ओर ध्यान दिया। दक्षिणी स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दुगुनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों का सुरक्षित भंडार है वो रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसी मदों की लागत से अधिक बैठती हैं।
नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता, अर्थात जो भी कार्य मजदूरों से करवाया जाता है उसमें देखभाल जरूरी है और देखभाल के बिना कोई कार्य सही नहीं हो सकता है। इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था और निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में भी विभाजित किया जाता था। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी और यह भी दावा किया था कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोर है। इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन पर विस्तार से विचार किया जाता था। वरिष्ठ प्लिनी एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक ने दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की थी कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को आम तौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। तो यानी उस समय इन गुलामों की स्थिति काफ़ी है वो शोचनीय थी, मालिक की आज्ञा के अनुसार इन्हें काम करना पड़ता था। ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियां श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती हैं, पर वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण वो लागू कर दिए थे। अर्थात कई ऐसे औद्योगिक संस्थान थे जिन्होंने मजदूरों पर, श्रमिकों पर और भी कड़े नियंत्रण वो लगा दिए थे। वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिनसेंस यानी सुगंधित राल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किया है और जहां उनके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था, कामगारों के एप्रनों पर एक सिल लगा दी जाती थी, उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। कृषि श्रमिक अवश्य ही थके थके से रहते होंगे और उन्हें नापसंद किया जाता होगा, क्योंकि तीसरी शताब्दी के एक राज्यादेश में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख मिलता है और जिससे यह कहा गया है कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे थे ताकि उन्हें खेती के काम में है वो न लगा। तो देखिए उस समय में इससे स्पष्ट होता है कि मजदूरों को हार्ड वर्क करना पड़ता था और जो भी कार्य दिए जाते थे वो उन्हें करने पड़ते थे। अब एक यहाँ पर आया है कि फ्रैंकिनसेंस क्या है। तो देखिए फ्रैंकिनसेंस है ये एक यूरोपीय नाम है जो वास्तव में सुगंधित राल है और इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। इसे बॉसवेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था और इस पेड़ के तने में बड़ा छेद करके इसके रस को बहने दिया जाता था और रस सूखने पर राल प्राप्त किया जाता था। फ्रैंकिनसेंस की सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल अरब प्रायद्वीप से आती है, अर्थात वहाँ से इसकी जो राल आती थी इसका राल के रूप में उपयोग है वो होता था।
398 के एक कानून में ये कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था ताकि यदि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके, अर्थात जिस प्रकार से पशुओं को पहचानने के लिए दागते थे इसी तरह से इन श्रमिकों को भी पहचानने के लिए दागने का रिवाज है वो प्रचलित था। अब देखिए कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे ताकि वे यह दावा कर सके कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं और इस प्रकार वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण है वो रखते थे। दूसरी शताब्दी की प्रारंभिक अवधि का एक लेखक हमें बताता है कि हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते थे। हालांकि वे मुक्त हैं और दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी। हाल ही में खोजे गए अगस्टिन के पत्रों में से एक पत्र से हमें जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर के रूप में बना देते थे। इससे पता लगता है कि उसमें में एक निश्चित अवधि के लिए भी बंधुआ मजदूर के रूप में रखा जाता होगा। ऑगस्टिन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या इन बच्चों को आजाद किया जा सकता था, तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी और इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र नष्ट कर डाले थे। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि उस समय में श्रमिकों की स्थिति माली हालत थी, उन्हें अपने मालिकों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। धन्यवाद।